हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे गूगल के बारे में कुछ जानकारी जो शायद ही आपने सुनी होगी। क्या आपको पता है गूगल एक सेकेंड में लगभग 1,30,900 रुपए कमाता है। तो जल्दी से अनिल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोई चीज को सर्च करना हो तो हम कहते हैं गूगल पर सर्च करो, न कि इंटरनेट पर। इस बात का मतलब यह कि आज गूगल इंटरनेट का पर्याय बन चुका है। इस कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी। गूगल को गूगल बनाने वाले लैरी पेज और सर्जे ब्रिन 1995 में पहली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले। डोमेन रजिस्टर करने के वक्त इसे गूगल नाम दिया। दरअसल गूगल असल में गूगल की गलत स्पेलिंग है। गूगल एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें 1 से लेकर 100 लगते हैं। गूगल नाम पहले ही बुक हो चुका था, इसलिए इसे गूगल नाम देना पड़ा। 2010 के बाद से गूगल ने प्रति सप्ताह औसतन कम से कम एक कंपनी को खरीदा है। 1998 में पहली बार गूगल डूडल दर्शकों को होम पेज पर दिखाई दिया। इसमें नेवाडा में बर्निंग फेस्टिवल में भाग ले रहे लोगों के बारे में था। गूगल में डूडल की बहुत बड़ी टीम काम करती है जो अभी तक 1,000 से ज्यादा डूडल पोस्ट कर चुकी है। डूडल एक खास तरह का लोगो होता है जो गूगल पर किसी भी खास दिन या किसी बड़े व्यक्ति की याद पर लगाया जाता है। जब दिवाली का त्योहार होता है तो पटाखे वाला डूडल दिखाया जाता है। 2004 में अप्रैल फूल यानी 1 अप्रैल के दिन गूगल ने मेल शुरू किया। सबसे ज्यादा स्टोरेज, तेजी से मेल सेंड करने की क्षमता ने लोगों के बीच इसे लोकप्रिय बना दिया। शुरुआत में इसे मेल अकाउंट बनाने के लिए इसका आमंत्रण होना बहुत जरूरी होता था। बाद में पॉपुलर होने के बाद यह सब के लिए फ्री कर दिया गया। 2004 में ही गूगल ने डिजिटल मैपिंग कंपनी की होल को अधिग्रहण कर लिया और 2005 में गूगल मैप और गूगल अर्थ जैसी नई एप्लीकेशन लॉन्च की। इसमें ऐसे फीचर हैं जो पल भर पूरी दुनिया का नाप दें। वहीं अब इसकी पहुंच चांद तक है। 2000 में गूगल ने एडवर्ड की शुरुआत की। यह सेल्फ सर्विस प्रोग्राम है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन कैंपेन चला सकता है। आज के विज्ञापन संबंधी समाधान जैसे डिस्प्ले, मोबाइल, वीडियो और सिंपल टेक्स्ट की शुरुआत 1 दशक पहले हो चुकी थी। इस सर्विस ने हजारों व्यापार फर्म्स को फायदा पहुंचाया। गूगल की फोन लाने को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। बाद में कंपनी मोबाइल फोन के लिए एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म लेकर आई। यह आज सभी फोन यूजर्स की जरूरत बन गया है। एंड्रॉइड की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज स्मार्टफोन के करीब 80% बाजार पर इसका कब्जा है, यानी हर 5 में से 4 स्मार्टफोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। गूगल के हेड ऑफिस में 200 बकरियों को घास काटने के लिए रखा गया है। गूगल अपने दफ्तर के लॉन में घास की कटाई के लिए कटाई मशीन का उपयोग नहीं करता, क्योंकि इससे निकलने वाले धुएं और आवाज की वजह से दफ्तर में काम कर रहे कर्मचारियों को परेशानी होती है। इसीलिए गूगल ने लॉन की घास की सफाई के लिए बकरियों को लगाया है। गूगल का सर्च इंजन 100 मिलियन गीगाबाइट का है। उतना डेटा अपने पास सेव करने के लिए 1 टेराबाइट की 1 लाख ड्राइव की जरूरत होगी। गूगल का होम पेज इतना खाली इसलिए लगता है क्योंकि सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज को HTML का ज्ञान नहीं था, जिससे वे इसे भव्य बना पाते। बहुत समय तक तो इस पर सबमिट बटन भी नहीं था। रिटर्न की को हिट करके ही टेक सर्च किए जाते थे। गूगल ने अपने स्ट्रीट व्यू मैप के लिए 80,46,000 की मीटर सड़क के बराबर फोटोग्राफ लिए है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी की वेबसाइट के कोर्ट में 23 मार्क का पेरर है। हर हफ्ते 20,000 से भी ज्यादा लोग गूगल में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। 2011 में गूगल का 96% रेवेन्यू जो कि 37.9 अरब डॉलर था, वह सिर्फ विज्ञापन से आया था। गूगल कोई भी उत्पाद लाता था और वह कुछ दिनों में हिट भी हो जाता है। 2 सितंबर 2008 में न्यू ओपन सोर्स वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया है जिसका नाम था गूगल क्रोम था। इसके आने के बाद इंटरनेट यूजर्स को एक नया एहसास मिला। 2006 में गूगल ने ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब खरीद ली। यूट्यूब पर हर मिनट के हिसाब से 100 घंटे तक वीडियो अपलोड किए जाते हैं। वहीं दुनिया भर लाखों चैनल पर आने वाले प्रोग्राम इस पर अपलोड होते हैं। इस तरह की चीज ने दुनिया को और पास लाकर खड़ा कर दिया। प्रतिवर्ष गूगल पर 20,95,10,00,000 सर्च किए जाते हैं, यानी कि प्रति सेकंड गूगल पर 60,000 से भी ज्यादा सर्च किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।